हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम नेहा नारंग। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज से हम नेट के म्यूज़िक के सिलेबस की जो सिक्स यूनिट है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस पर आपको डेली लेक्चर मिलते रहेंगे। ये जो सिक्स यूनिट एक मैम के रिक्वेस्ट पर स्टार्ट करवाई जा रही है। आइए पढ़ते हैं आज का टॉपिक, भरत मुनि का जीवन परिचय। जो भरत ने ग्रंथ लिखा था नाट्यशास्त्र, ये काफ़ी प्रसिद्ध रहा जिसको सब जानते हैं। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। नाट्यशास्त्र के रचयिता महर्षि भरत का काल 500 ईसा पूर्व माना गया है। तीसरी चौथी शताब्दी के पंचतंत्र जैसे कुछ ग्रंथों में भी भरत का उल्लेख मिलता है। तो पंचतंत्र एक ग्रंथ का नाम है, इन जैसे कुछ ग्रंथों में भी भरत का जो उल्लेख किया गया है। नाट्यशास्त्र के अनुसार भरत को नाट्य का उपदेश जो है वो ब्रह्मा से प्राप्त हुआ था। भागवत, विष्णु पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार भरत मनुवंशीय राजा ऋषभ देव के पुत्र थे। तो ये किसके पुत्र थे? ऋषभ देव के। और ये आपके तीन ग्रंथ है, भागवत, विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण के अनुसार के पुत्र थे, जो कर्नाटक चले गए थे जहाँ उन्होंने नाट्यशास्त्र की रचना की। तो आपको इससे ये पता चल गया कि नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना कहाँ पर हुई थी? कर्नाटक में। भरत नाट्यम का जो प्रचार भी वहीं से हुआ। अभिनव गुप्त के अनुसार नाट्यशास्त्र की जो रचना है सर्वप्रथम सदाशिव ने की। सदाशिव से जिनसे ब्रह्मा ने और ब्रह्मा से भरत ने उसे ग्रहण किया। मतलब सदाशिव से ब्रह्मा ने और ब्रह्मा से भरत ने उसको ग्रहण किया। प्रोफेसर रामकृष्ण कवि के अनुसार सदाशिव ही आदि भरत थे। रामकृष्ण के अनुसार ये था कि जो सदाशिव थे वही ही भरत थे। इसलिए नाट्यवेद के आदि आचार्य के रूप में महर्षि भरत को माना गया है। परवर्ती आचार्यों ने भरत को भगवान भरत कहकर भी संबोधित किया है। परवर्ती का मतलब होता है इसके बाद के आचार्यों ने। आचार्यों का मतलब आपको पता ही है, शिक्षक। नाट्यशास्त्र के अनुसार महर्षि भरत ने अपने 100 पुत्रों को नाट्यवेद की शिक्षा प्रदान करते हुए उसे लोक में प्रतिष्ठित करने का आदेश दिया था। अतः भरत परंपरा के सभी अभिनेता, मतलब जो भरत काल के टाइम के अभिनेता थे, वो उनको भरत नाट्य प्रयोक्ता या फिर नट कहा जाता था। मत्स्य पुराण में नाट्यशास्त्र के प्रवर्तक का मतलब होता है जन्मदाता। भरत मुनि की चर्चा है जिन्होंने देवलोक में लक्ष्मी स्वयंवर नाटक की रचना की। ईसा पूर्व प्रथम शती के महाकवि कालिदास ने इस कथा की ओर संकेत करते हुए भरत मुनि के नाम एवं कृति का उल्लेख किया है। कृति का मतलब है भरत मुनि का जो नाम है और उसकी जो कृति है, मतलब उनकी जो रचना है, क्या रचना थी? नाट्यशास्त्र। उनका भी उल्लेख किया है किसने? कालिदास ने। नाट्यशास्त्र में उपलब्ध अनुश्रुति, अनुश्रुति का मैं मतलब बता दूँ, ऐसा ज्ञान होता है जिसे लोग बहुत दिनों से एक ही रूप में अपने पूर्वजों से सुनते आ रहे हो। तो नाट्यशास्त्र एक काफ़ी पुराना ग्रंथ है। महर्षि भरत को महाराज नहुष का समकालीन बताती है, जो भगवान राम से पीढ़ियों पूर्व हुए, मतलब राम से भी जो राम की पीढ़ी से भी जो पहले हुए, और आधुनिक शोधों के परिणाम स्वरूप एक वैदिक कालीन नरेश सिद्ध हो चुके हैं। वाल्मीकि नारायण का अंतः साक्ष्य भारत के सिद्धांतों, साक्ष्य का मतलब होता है अपनी आंखों के द्वारा जो भारत ने देखा था, उन सिद्धांतों से वाल्मीकि का पूर्ण तय परिचित होना सिद्ध करता है। वाल्मीकि पाणिनि से कहीं पूर्ववर्ती है, अतः भरत वाल्मीकि से भी पहले हुए हैं। महर्षि भरत ने नाट्यशास्त्र के समस्त अंगों पर तो विचार किया ही है, संगीत के मूलभूत सिद्धांत को भी वैज्ञानिक ढंग से प्रकाशित किया है। नाट्यशास्त्र के 35वें अध्याय में भरत ने नाट्य से संबंधित व्यक्तियों की चर्चा करते हुए कार्य के अनुसार भरतों का विभाजन बताया। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भरत काल में व्यक्तियों को भरत के नाम से ही जाना जाता था। इससे सिद्ध होता है कि भरत शब्द इतना व्यापक हो गया था कि उसने समस्त कलाकारों को अपने में समेट लिया। आगे चलकर उन भरतों को अलग अलग नाम से पुकारा गया, जैसे मुख्य अभिनेता, उपअभिनेता, अभिनेता, विदूषक। विदूषक मैं आपको बता दूं कि क्या होता है, जो हास्य वाला अभिनय करते हैं वो विदूषक होता है। गायक, वादक, नर्तक, नट का भी जो मतलब है वो नृत्य से ही है। सूत्रधार मैं बता दूं, नाटक के सभी सूत्र अपने हाथों में धारण करता है और वही नाटक को परम करता है और वही नाटक को आरंभ करता है। सूत्रधार यही होता है। कथाकार, श्रृंगारकर्ता, संगीत रचयिता, आवरण बनाने वाला शिल्पकार। शिल्पकार कौन होता है? जो हाथ से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाता है।
कालांतर में भरत के पुत्र अपने उपद्रव के कारण शापित हो गए थे। शापित मतलब उनको श्राप दे दिया गया था। शापित व्यक्ति वही होता है जो जब किसी को श्राप दिया जाता है। तो उनका वंश शूद्राचार, अशौच एवं स्त्री बालोपजीवी हो गया। परिणाम स्वरूप उच्च या भद्र समाज में संगीत विद्या को केवल मनोरंजन की वस्तु समझकर उससे संबंधित व्यक्तियों को हेय दृष्टि से मतलब एक घृणा की दृष्टि से देखा जाने लगा। वर्तमान काल में नाट्य को प्राय रंजन की दृष्टि से देखा जाता है, रंजन यानी मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाता है, जबकि वह भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली कला है। प्राचीन ग्रंथों में भरत के नाट्य शास्त्र के दो संस्करणों का उल्लेख पाया जाता है। पहला द्वादश सहा स्त्री 12,000 श्लोक वाला और दूसरा सेट सहा स्त्री 6,000 श्लोक वाला। विदेशी संक्रमण और आक्रमणों से भी नाट्य और नट के उच्च स्तर को धक्का पहुंचा। भरत ने नाट्य शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि ऐसी कोई कला नहीं है, ऐसी कोई विद्या नहीं है, ऐसा कोई शिल्प नहीं है और ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो नाट्य के माध्यम से प्रस्तुत ना किया जा सके। यह धार्मिक, कामुक, जितेंद्रिय, नपुंसक, शूरवीर, धनाढ्य, दुखी, उद्यग्नि, श्रम से थके हुए लोगों एवं तपस्वी इत्यादि के लिए विश्राम और शांति प्रदान करने वाला है। बुद्धिमानों का ज्ञान और मूढ़ व्यक्ति होते हैं, मूर्ख व्यक्ति को उपदेश प्रदान करने वाला है। महाकवि कालिदास ने विक्रमोर्वशीय में भरत को नाट्य शास्त्र का प्रवर्तक आपको पता ही है कि जन्मदाता भरत को ही नाट्य शास्त्र का जन्मदाता कहा है। आठों रसों का प्रतिपादक, जैसे कि आपको पता ही है कि नाट्य शास्त्र में आठ रस बताए गए थे भरत के द्वारा, तथा देवताओं के समक्ष अभिनय को प्रयोक्ता कहा है। भरत ने गीत को नाट्य की शया मानते हुए उसे नाट्य का प्रमुख अंग और वादन तथा नर्तन को उसका अनुगामी बताया है। नाट्य शास्त्र केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व की नाट्य कला का आधार ग्रंथ है। महर्षि भरत के आप्त वाक्य सनातन और सार्वभौम है। नाट्य शास्त्र में अभिनय, नृत्य और संगीत के अतिरिक्त धर्म, दर्शन, आयुर्वेद, ज्योतिष, व्याकरण, नीति, इतिहास, भूगोल, भाषा विज्ञान, अलंकार शास्त्र और ध्वनि विज्ञान से संबंधित अलभ्य जानकारी दी गई है, जो इस प्रकार एक साथ एवं सूत्र रूप में विश्व के अन्य किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती है। थैंक यू।